नमस्कार दोस्तों इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा वह भी बिल्कुल आसान भाषा में दोस्तों अभी मार्केट में हाई वैल्यू प्रीमियम के प्रोडक्ट काफी ज्यादा बिक रहे हैं और इसका मुख्य कारण है इकतीस मार्च दो के बाद लाइफ इंश्योरेंस के हाई वैल्यू की पॉलिसी की जो मेच्योरिटी है वह टैक्सेबल हो जाएगी आइए इस मैटर को पूरी तरह समझते हैं दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के जो भी एंडोमेंट प्लान मनी बैक प्लान या होल लाइफ प्लान होते हैं उसमें आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं उसकी छूट आपको इनकम टैक्स के सेक्शन एटीसी के अंतर्गत मिलती है जो सर्वाइवल बेनिफिट होते हैं चाहे वो मनी बैक हो या मेच्योरिटी के पहले कोई भी पे आउट हो या पॉलिसी की मेच्योरिटी हो वो इनकम टैक्स के सेक्शन टेन 10, टेन डी के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं और जो पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है वह भी इनकम टैक्स के सेक्शन टेन टेन डी के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होते हैं इकतीस मार्च दो के बाद जो बदलाव होने वाला है वह सिर्फ सर्वाइवल बेनिफिट पर होने वाला है वैसी पॉलिसी जिसका एनुअल प्रीमियम पांच लाख से ज्यादा होगा उसकी सर्वाइवल बेनिफिट पर कोई एग्जाम नहीं मिलेगा जो भी रिटर्न होगा उस पर बीमा धारक के इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा मतलब यदि पांच लाख के एनुअल प्रीमियम वाली पॉलिसी आपने इकतीस मार्च दो तक ली तो उसकी मेच्यूरिटी पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा यदि आपने यह पॉलिसी एक अप्रैल दो के बाद ली तो उसकी मेच्यूरिटी पर टैक्स लगेगा या उसके जो भी सर्वाइवल बेनिफिट होंगे उस पर भी टैक्स लगेगा हालांकि प्रीमियम पर जो 80C के अंतर्गत बेनिफिट मिलता है वह कंटिन्यू रहेगा और टेस्ट बेनिफिट के रूप में जो नॉमिनी को मिलेगा वह भी टेन टेन डी के अंतर्गत कम्प्लीटली टैक्स फ्री रहेगा उम्मीद करता हूँ यह मैटर आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए और अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद